महर्षि पतंजलि इंस्टीट्यूशन विद्या का जो मंदिर है, इस प्रांगण में हमने ये कार्यक्रम क्यों रखा है और मेरा ये आशा थी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे के पूर्व संध्या पे हम प्रयागराज में जितनी नारियों ने, माताओं ने, बहनों ने योगदान दिए समाज के लिए उनका सम्मान हो और शिक्षा का केंद्र इसलिए चुना गया और सहज रूप में उन्होंने हमें अनुमति दी क्योंकि अगर हम एक बेटी को सिखाएंगे तो पूरे देश को सिखाने की बात है। इंग्लिश में कहावत है, यू टीच अ गर्ल यू टीच अ नेशन, क्योंकि वही गर्ल मदर होती है, माँ बनती है और वही समाज को नया मोड़, नई ऊँचाइयों पर लेके जाने का काम एक माँ करती है। नारी शक्ति का सम्मान जिस समाज ने नहीं किया वो पतन की ओर बढ़ा। हिंदू सनातन धर्म, वैदिक सनातन धर्म नारी शक्ति का एक समान जो लिखा गया है, कभी कभी हमारे लोग उसे प्रैक्टिस नहीं करते, ये विडंबना है, पर धर्म, वेद, पुराण और गीता में जब प्रभु ने स्वयं किया कहा मैं एक पुरुष और पूरी प्रकृति नारी हूँ, तो इससे सुंदर जेंडर एम्पावरमेंट के लिए कुछ नहीं हो सकता। जिस धर्म में स्वयं मेरे महादेव, मेरे शिव कहते सती के बिना शिव शव है, इससे सुंदर और कुछ नहीं हो सकता। हम अर्धनारी नटेश्वर महाकाल बहुचर माँ के उपासक है हमारा आकार। माँ की कोख से हम भी पैदा हुए हैं, उसके 36 नस से दूध पी के हम भी उस आंगन में किलकारियाँ मारते हुए उसकी गोद में पले बढ़े हैं। पूरी दुनिया हमसे कटाक्ष की नज़रों से देखती है पर एक माँ कभी नहीं। माँ का आचरण भले पुरुष प्रधान समाज के दबाव में आके कभी कभी किन्नरों के लिए सिमट जाता, पर जिस तरीके से इंग्लिश में कहावत है गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर सो ही क्रिएटेड मदर, प्रभु हर जगह नहीं रह पाए, इसके लिए उन्होंने माँ को बनाया और माँ जैसा प्रभु किसको नहीं चाहिए। माँ का प्रेम कहते पूत का पूत हो जाता है, माता को माता नहीं होती। इनका सम्मान करते हुए मेरी स्वयं की आत्मा प्रफुल्लित और
कोटि कोटि धन्यवाद करती है उनके चरणों में, जो मेरे एक बुलावे पे आके ये सम्मान स्वयं लिए अपने हाथों से। मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ प्रयागवासियों के, उन नारियों का जिन्होंने कभी कभी कुछ का तो नाम रह जाता है तो भी वो परिश्रम करती रहती हैं। जो माताएं सिर्फ घर में काम करती हैं, उनके काम को तो लोग काम तक नहीं मानते, पर अगर वो ना रहती तो समाज कहाँ रहता। मैं उन माताओं को भी नमन करती हूँ जो अपने घर को दिन रात अपने खून अपने पसीने से सींच के बनाने का काम करती हैं। जय श्री महाकाल। और इन माताओं के इस्लाम में भी कहा गया है कि माँ के चरणों में जन्नत है। हमारे धर्म में भी वही है। हर एक धर्म में माँ से बड़ा कोई शब्द नहीं। जब स्वयं प्रभु अपनी माँ के चरणों में रहे 24 घंटे तो हम क्या चाहते हैं। जय श्री।